नमस्कार, मैं नेहा जोशी, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। राजस्थान के कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा समेत 6 मंत्रियों के राजकीय आवास में फेरबदल किया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं। किरोड़ी लाल अब 18 सिविल लाइन्स के स्थान पर 14 सिविल लाइन्स पर रहेंगे। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार शिक्षा मंत्री मदन दिलावर 385 सिविल लाइन के स्थान पर 18 सिविल लाइन रहेंगे। हेमंत सिंह मीणा B2 भगत सिंह मार्ग के स्थान पर 382 ए सिविल लाइन बंगले में रहेंगे, जबकि ओटाराम देवासी 1/46 गांधीनगर जयपुर रहेंगे। इसी प्रकार विजय सिंह चौधरी 383 ए सिविल लाइन के स्थान पर 385 सिविल लाइन रहेंगे। सरकारी मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग 383 ए सिविल लाइन जयपुर में रहेंगे। आदेश में कहा गया है कि राजकीय आवास रिक्त होने की प्रत्याशा में उनके पद पर बने रहने तक के लिए निशुल्क आवंटित परिवर्तित किए जाएंगे। बदलाव की नहीं बताई गई है कोई भी वजह। जी हां, भजनलाल सरकार ने मंत्रियों के शपथ लेने के बाद मंत्रियों को राजकीय आवास आवंटित कर दिया था, लेकिन अब इसमें परिवर्तन किया गया है। हालांकि इस बदलाव की कोई वजह तो नहीं बताई गई है, लेकिन यही माना जा रहा है कि मंत्रियों की पसंद के आधार पर ही ये बदलाव किया गया है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर अब किरोड़ी लाल को जो पहले आवास आवंटित किया गया था उसमें रहेंगे। माना ये भी जा रहा है कि पसंद के आधार पर ही आवास आवंटित किए गए हैं। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा सवाई माधोपुर से विधायक भी हैं और कृषि मंत्री भी हैं, लेकिन अब नज़रें सभी की इसी पर टिकी हुई हैं कि लोकसभा चुनाव में क्या कुछ परिणाम रहने वाले हैं। भाजपा की अंदरूनी तैयारियां हैं वो शुरू हो चुकी हैं। भाजपा ने आओ गांव चलो अभियान है वो शुरू कर दिया है। भाजपा ने आओ गांव चलो अभियान के तहत हर एक गांव में जाएंगे और लोकसभा सीटों पर अपनी मजबूती की पकड़ बनाने में तैयारी शुरू कर दी है। भाजपा के हर एक मंत्री को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। आओ गांव चलो में गांव के लोगों से कनेक्ट होंगे, मंत्री गांव में अपनी पकड़ बनाने में मजबूती बना रहे हैं, केंद्र की हर एक योजना को हर एक ग्रामवासियों तक पहुंचाएंगे, जिससे मोदी की लहर फिर से चले। लोकसभा चुनाव में देखने लायक परिणाम होंगे कि परिणाम किसके फेवर में रहते हैं। कांग्रेस 10 से 15 सीट निकालने का वादा कर रही है, कवायद कर रही है कि 10 से 15 सीटें कांग्रेस निकालेगी, तो दूसरी तरफ भाजपा है वो भी 25 की हैट्रिक लगाने की तैयारी में है। हैट्रिक को नहीं कोई तोड़ सकता, ये भाजपा का कहना है, लेकिन अंदरूनी प्लानिंग कांग्रेस की भी चल रही है और भाजपा की भी चल रही है। देखना ये होगा कि आगे कौन निकलता है। क्या वाकई में इस बार सेंधमारी कुछ सीटों पर कांग्रेस कर पाएगी, या फिर भाजपा पहले की तरह ही 25 की 25 सीटों पर हैट्रिक लगाएगी। ऐसी तमाम जानकारियों के लिए बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। मैं नेहा जोशी। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।